नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हुए 23 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। SBI बैंक PO के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। फसल सहायता योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने के लिए यहां करें आवेदन। रेफ्रिजरेटर वैन पर मिल रहा 13 लाख तक का सब्सिडी। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में लाई जाएगी तेजी। आज सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI बैंक PO के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। SBI में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना है। आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार PO के कुल 1673 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2022 निर्धारित है। वहीं परीक्षा की तिथि 17 से 20 दिसंबर है। इच्छुक और योग्य इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज ही के दिन 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया की धरती पर जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पहचान की अमिट छाप छोड़ दी। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एवं विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में आज विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और वर्षी नामक कृतियों में मिलता है। रेफ्रिजरेटेड वैन पर मिल रहा 13 लाख तक का सब्सिडी, यहां करें आवेदन। किसान की खेती सिर्फ फसलों की कटाई और बुवाई तक सीमित नहीं होती है। फसलों को सहेज कर रखना भी किसानों के लिए सबसे कठिन टास्क में से एक होता है, लेकिन बिहार सरकार किसानों की इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश में एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, जो कि किसानों को बेहद ही राहत देने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज वैन या रेफ्रिजरेटेड वैन की खरीद के लिए 26 लाख रुपए की इकाई लागत निर्धारित की है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लागत पर किसान या व्यक्तिगत उद्यमी को 50% तक की सब्सिडी यानी अधिकतम 13 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप horticulture.bihar.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आज जारी होगी IIT और NIT पटना में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा की ओर से कुल 114 इंजीनियरिंग संस्थानों में चल रही IIT, NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म हो गई है और इसके लिए एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जोसा से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार यानी आज 23 सितंबर से पहले राउंड की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके तहत एडमिशन प्रक्रिया 26 सितंबर तक चलेगी। वहीं 16 अक्टूबर तक 6 चरणों की एडमिशन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। सभी राउंड के बाद खाली सीटों का प्रकाशन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। विशेष राउंड का आयोजन 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होना है। वहीं कक्षा शुरू होने की संभावित तिथि 7 नवंबर है। PMCH के छात्रों ने अचानक शुरू किया हड़ताल। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH के छात्र बीते दिन अचानक से हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल पर बैठे छात्रों का आरोप था कि बुधवार की रात अस्पताल के टाटा वार्ड में स्थानीय युवकों ने परास्नातक छात्रों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत छात्रों ने अस्पताल प्रशासन से की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद गुरुवार सुबह से ही छात्रों में इस बात को लेकर आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पहले उन्होंने काम बंद कर दिया और फिर जबरन OPD को भी बंद करवा दिया। बीते दिन अस्पताल में तनाव का माहौल रहा। अस्पताल प्रशासन छात्रों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। कुंडलपुर का जैन मंदिर इस वजह से है बेहद खास।
बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है नालंदा स्थित कुंडलपुर का जैन मंदिर। यह स्थान शांति और अहिंसा के लिए भगवान महावीर के जन्म स्थली के रूप में विश्व विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की इस जन्मस्थली पर वर्तमान में भव्य एवं अलौकिक मंदिर है। मंदिर के पास के दो झील जो कि दीर्घ पुष्करणी और पांडव पुष्करणी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और भी निखारती है। इस मंदिर परिसर के अलग इमारत में जैन धर्म के 72 तीर्थकरों की छवियों को भी प्रदर्शित करता है, जिसे त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फसल सहायता योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने के लिए यहाँ करें आवेदन। फसल सहायता योजना के तहत सहायता राशि लेने के लिए यहां करें आवेदन। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मालूम हो कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 7000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत प्राकृतिक कारणों से हुए फसल नुकसान पर किसानों को नियमानुसार सहायता राशि दी जाती है। सभी रैयत और गैर रैयत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास किसान निबंधन संख्या होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पैक्स online.bihar.nic.in या fsy या login.aspx पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जिला सहकारिता पदाधिकारी अथवा प्रखंड सहकारिता प्रसार अधिकारी से टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार की सड़कें होंगी चौड़ी, जाम से मिलेगा निजात। बिहार में अब लोगों को जाम से निजात मिलेगा। दरअसल बिहार की सड़कें अब चौड़ी होंगी। सरकार के नए प्लान के तहत शहर की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। खासकर वैसी सड़कों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि जाम से बेहद प्रभावित हैं। यही नहीं, जहां सड़क के चौड़ीकरण के लिए जगह नहीं है वहां फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अधीन 15273 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़कें हैं। इन सभी सड़कों का चौड़ीकरण चरणवार तरीके से होगा। इसके लिए सरकार ने इंजीनियरों से ऐसे सड़कों की जानकारी मांगी है जहां हाल के दिनों में गाड़ियों का दबाव बढ़ा है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए अगर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है तो जिला प्रशासन के समन्वय से उसे खाली कराया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अनिसुर रहमान की मां ने लगाई सीएम से गुहार। जदयू ऑफिस के सामने एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते दिन सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने जदयू ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। मालूम हो कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि बीते दिन लाठीचार्ज में एडीएम की लाठी से घायल अनिसुर रहमान भी बीते दिन जदयू कार्यालय पहुंचा। अनिसुर की मां बेटे के इलाज को लेकर फरियाद लगा रही थी। अनिसुर रहमान की मां बोली कि बेटा जिंदा रहेगा तो भीख मांगकर भी जी लेंगे। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता। राजधानी पटना में डेंगू ने पूरी तरह अपना पैर पसार लिया है। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकारी और निजी दोनों ही अस्पतालों में डेंगू के मरीज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पीएमसीएच का 12 बेड का डेंगू वार्ड अब पूरी तरह से भर गया है। दूसरी ओर एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, रूबन, पारस जैसे बड़े अस्पतालों में भी लगातार डेंगू पीड़ित भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश सिन्हा ने भी बुखार होने पर अपने से दवाइयों का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। कहा कि गलत दवाइयों सेवन और लक्षणों को नजरअंदाज करने से 3 से 4 दिन में डेंगू पीड़ित ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। टूर एंड ट्रेवल में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थियों के लिए है अच्छा विकल्प। टूरिज्म एंड ट्रैवल में दिलचस्पी रखने वाले और इसी फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा विकल्प है। ट्रैवल एवं टूरिज्म में कोर्स करने के बाद आप दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में से एक महाराजा एक्सप्रेस, बावर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड आदि में जॉब कर सकते हैं। इसमें आप ट्रैवल प्लानिंग, कस्टमर सर्विस, ट्रैवल एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स ऑपरेशन मैनेजमेंट स्किल रखने वालों के लिए जॉब के अच्छे मौके हैं। इस क्षेत्र में टूर मैनेजर, टूरिज्म ऑफिसर, ट्रैवल कंसल्टेंट, ट्रैवल स्पेशलिस्ट, हॉलीडे एडवाइजर, ट्रैवल एजेंट, टूर गाइड, ट्रैवल राइटर, होटल मैनेजर, क्रूज मैनेजर, एडवेंचर टूर गाइड के तौर पर भी अपना करियर बना सकते हैं। गेल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सहज ऐप लॉन्च कर गेल इंडिया ने लोगों की परेशानियां कम कर दी है। हाल ही में लॉन्च किए गए सहज ऐप में शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनी ने हेल्पलाइन नंबर 62870-32999 जारी किया है। गेल इंडिया के जीएमओ और बिहार प्रभारी अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस ऐप को लोग बड़े ही आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि राजधानी पटना में सिर्फ 10,000 घरों और 42
गैस व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में गेल द्वारा गैस की आपूर्ति की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से गेल उपभोक्ताओं को कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, ऐसा दावा गेल के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां इस दिन तक रहेंगी रद्द। बिहार में नजदीक आ रहे त्योहारी सीजन में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। यही वजह है कि नजदीक आ रहे दुर्गा पूजा के मद्देनजर बिहार में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। त्यौहार के दौरान सामूहिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी छुट्टियां रद्द की गई हैं। बिहार पुलिस की छुट्टियां 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। हालांकि किसी भी विशेष परिस्थिति में छुट्टी दी जा सकती है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए बीते दिन आदेश जारी कर दिया है। एक महीने आईआईटी पटना में रहेंगे बिहार के स्कूली बच्चे। आईआईटी पटना में पूरे एक महीने बिहार के सभी जिले से चयनित 543 स्कूली बच्चे प्रवास पर रहेंगे। देश में शायद यह पहली बार होगा। ये बच्चे सिर्फ यहाँ रहेंगे ही नहीं बल्कि गणित के भय को भी दूर करेंगे। आईआईटी के शिक्षक इन बच्चों के गणित फोबिया को दूर करेंगे। यहाँ शिक्षकों के द्वारा मनोरंजक मेथड से बच्चे गणित का गुर सीखेंगे। आईआईटी पटना में 8 से 29 अक्टूबर तक 15 दिनों के लिए राज्य के 9वीं से 12वीं तक के 333 छात्र छात्राओं का विशेष शिक्षण होगा। वहीं 6 से 8 के कक्षा के राज्य भर के 210 छात्र छात्राओं को यहां 5 से 19 नवंबर तक गणित का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका यह ओरिएंटेशन यादगार बने इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और आईआईटी पटना ने पूरी तैयारी की है। 51 पैसा टूटकर 80 रुपए के पार पहुंचा डॉलर। USFD ने बुधवार को उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की, जिसके बाद इसका असर भारतीय शेयर मार्केट पर भी पड़ा। फलस्वरूप बीते दिन गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया में 51 पैसे की रिकॉर्ड गिरावट आई, जिसके बाद एक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया टूटकर 80.48 रुपया हो गया, जो कि अब तक का रुपया का सबसे निचला स्तर है। इसके बाद रुपये में गिरावट से एक और जहां व्यापार में घाटा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर जरूरी सामान के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का इंतजार। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के लिए बिहार के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 को वित्त विभाग ने अपनी अनुमति दे दी है। अब बारी है कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिलने की और पूरी उम्मीद है कि इस बार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं, इसके साथ ही शिक्षक संघ ने ट्रांसफर के नियम में बदलाव की मांग भी की है, जिस पर भी फैसला लिया जा सकता है। सीमांचल जिले से आज हुंकार भरेंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूकने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज अमित शाह का सीमांचल जिला पूर्णिया में भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जहां से अमित शाह बिहार सरकार के खिलाफ और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन पर बिहार बीजेपी ने उनके स्वागत में पूरी ताकत झोंक दी है। जनभावना रैली में सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के साथ साथ कोसी के मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले से 1.5 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान होने वाला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल में डटे हुए हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में लाई जाएगी तेजी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में तेजी लाएं और नवंबर 2024 तक इसे पूर्ण करें। विभाग में आवश्यकता अनुसार खाली पदों को भरा जाए ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित ना हो। झारखंड के जनता दरबार में दिखे बिहार भाजपा विधायक। झारखंड के जनता दरबार कार्यक्रम में फरियादी बनकर बिहार के भाजपा विधायक ललन कुमार पहुंच गए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झारखंड के जनता दरबार कार्यक्रम में फरियादी बनकर पहुंचे बिहार के भाजपा विधायक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार्यस्थल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। दरअसल बिहार भाजपा विधायक झारखंड सरकार द्वारा उनके शेल्टर हाउस पर बुलडोजर चलाने के मामले में फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिसमें राहत मांगने विधायक झारखंड के जनता दरबार कार्यक्रम में राहत मांगने पहुंचे। पूरा मामला जमीन विवाद का है, जिसे लेकर पिछले कई महीनों से उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा।
नीतीश का कुटिया बनाने में भाजपा देगी पूरा साथ। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से पक्ष विपक्ष में लगातार सियासी उठापटक जारी है। जदयू ने एनडीए से मोह भंग कर जब से राजद के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई है, तभी से भाजपा का कहना है कि लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार से सत्ता छीन कर तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए एक कुटिया बनाकर उन्हें वहां स्थापित कर देंगे। और इसी बात को लेकर एक बार फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जदयू पर तंज कसा है और कसते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश के आश्रम निर्माण में उनकी पार्टी पूरा सहयोग देगी। राजद साथ दे या ना दे, भाजपा 2025 में दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद भी उनके आश्रम का पूर्ण रूप से ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि जदयू के कई अधिकांश नेताओं का आत्मसम्मान अभी बचा है, ऐसे कार्यकर्ता अमित शाह की रैली में आज जरूर आए। आज सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा T20I मैच शुक्रवार 23 सितंबर यानी आज खेला जाएगा। यह मैच नागपुर के VCA स्टेडियम में खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज में पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली है, इसलिए सीरीज हार से बचने के लिए भारत को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इस मैच को भी जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम के लिए डेप्थ ओवर चिंता का विषय बना हुआ है। एशिया कप से लेकर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया पहला T20I भारतीय टीम रनों को डिफेंड करने में नाकाम साबित हो रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। हिंदी जगत सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का जन्म 1903 में हुआ था। विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला रसायन शास्त्री असीमा चटर्जी का जन्म 1917 में हुआ। हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म 1935 में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 के विद्रोह में महती भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी राव तुला का निधन 1863 में हुआ। आधुनिक आयुर्वेद जगत के प्रख्यात पंडित और चिकित्सा शास्त्री सत्यनारायण शास्त्री का निधन 1969 में हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध विराम का आदेश बाल विवाह निरोधक विधेयक शारदा कानून 1929 में पारित हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ते के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ते के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट में कहा कि व्हाट्सएप पर प्रसारित एक आदेश में दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 1/7/2022 से प्रभावी होगी। PIB ने अपने ट्वीट में कहा कि दावा फेक है, व्यय विभाग ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। अनचाहे कॉल से हो गए हैं परेशान तो करें ये काम। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई अनचाहे कॉल्स आते हैं जिससे आप भी परेशान हो जाते होंगे। ऐसे में आपके लिए मेरे पास कुछ आसान टिप्स हैं जिसे फॉलो कर आप अनचाहे कॉल्स से बच सकते हैं। पहला, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक साइलेंट मोड की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल करके आप जब चाहे इसे ऑन करके अनचाहे कॉल से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, कॉल बैरिंग मेथड। ये फीचर आपके पास से जाने वाली और आने वाली सभी कॉल्स का कंट्रोल रखता है। अगर आपने इनकमिंग कॉल पर कॉल बैरिंग लगाया है तो यह आपके फ़ोन की किसी भी इनकमिंग कॉल को बंद कर देता है। बिहार में मिले COVID-19 के 50 मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 50 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 245 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया और मुंगेर में 2, भागलपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा और वैशाली में 1, वहीं गया में 13 और पटना में 17 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 94,443 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 70 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कविता कुमारी, मुटु रंगीला, उमेश ऋषिदेव, परवेज आलम, बिकेश रंजन, रंजीत कुमार, अविनाश राज, संजीव कुमार, उदल पासवान, पवन कुमार पंडित, रघुनंदन कुमार, शुभम राज, योगेंद्र सिंह यादव और सियालाल कामत। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।